तुम लोगों को पता होगा रिसेंटली मैंने ये वीडियो बनाया था बेस्ट कस्टम रोम प्लस बेस्ट कर्नल कॉम्बिनेशन। सो उस पर यार तुम्हारा इतना अच्छा रिस्पांस आया ना, तो वापस से यार वही वीडियो लेकर आया हूँ तीन अलग डिवाइस के लिए। आज अपन बात करने वाले रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी K20 प्रो, रियलमी GT Neo 3T, इन तीनों के लिए यार बेस्ट कस्टम रोम प्लस बेस्ट कर्नल बताने वाला हूँ। और अगर भाई इन तीनों में से अलग डिवाइस है आपका तो भाई नीचे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, जब मैं फिर से कॉम्बिनेशन वाला वीडियो बनाऊंगा ना उस पर यार तुम्हारा डिवाइस मैं कवर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं रेडमी नोट 8 प्रो के लिए कौन सा बेस्ट कस्टम रोम है और बेस्ट कर्नल कौन सा है। देखो इसका बेस्ट कस्टम रोम बताने जाओ तो भाई तुम लोग इसके साथ ना मैट्रिक्स OS को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रोम है जो कि एंड्रॉइड 14 के साथ अवेलेबल है। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन यार बैटरी बैकअप ना थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बिकॉज रेडमी नोट 8 प्रो थोड़ा सा ओल्ड डिवाइस है तो भाई बैटरी बैकअप पे थोड़ा पंगा हो सकता है। जिनको यूज करना है कर सकते हो, और ये जो रोम है इसके साथ तुम लोगों को बाय डिफॉल्ट 90 FPS देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो रेडमी नोट 8 प्रो है ना वो 60 FPS ही सपोर्ट करेगा, बिकॉज इसमें 60Hz का डिस्प्ले है। तो भाई 90 का तो भाई छोड़ ही दो, 90 तो मिल जाएगा तुम लोगों को, लेकिन 90 सपोर्ट नहीं करेगा, ओनली 60 आएगा। और इसके साथ भाई तुम लोग नोवा कर्नल को यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप एंड एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा कर्नल है भाई। और इसके साथ भाई तुम्हारा जो FPS है 55 FPS आएगा, 50 तक भी फ्लक्चुएट कर सकता है, कांस्टेंट 60 देगा ऐसा बात नहीं है। जब तुम लोग हॉट ड्रॉप पे जाओगे ना वहीं पर 50-55 FPS तक देगा, फिर वापस से 60 FPS हो जाएगा। जिनको ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना है कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं रियलमी GT Neo 3T के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। देखो अगर मैं तुम लोगों को कस्टम रोम का बताऊं तो भाई तुम लोग इसके साथ ना स्काईलाइन EOA को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रोम है। और ये रोम एंड्रॉइड 13 के साथ अवेलेबल है, बिकॉज भाई थोड़ा सा पुराना रोम है, और इस पे भाई 90 FPS ना बहुत ही अच्छा आता है। जैसे तुम लोग हॉट ड्रॉप पे लैंड करोगे वहाँ पे 80 FPS तक फ्लक्चुएट करेगा, फिर वापस से भाई 90 आ जाएगा। तो भाई जिनको यूज़ करना है कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ना कर्नल वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। रियलमी के लिए ना कर्नल ज़्यादा होते नहीं है जितना कस्टम रोम होते हैं, तो ये बेस्ट कस्टम रोम है। इसके साथ कर्नल इनबिल्ड आता है, कर्नल की कोई जरूरत भी नहीं, और ऐसे भी इसके लिए अवेलेबल भी नहीं। और इसके लिए भी भाई मैट्रिक्स OS अवेलेबल है, दोनों को तुम लोग यूज़ कर सकते हो। अगर भाई तुम लोग को लेटेस्ट अच्छा लगता है तो भाई मैट्रिक्स OS, अगर भाई परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो भाई स्काईलाइन UI के साथ जा सकते हो, दोनों को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रोम है। और दोनों में तुम लोगों को बाय डिफॉल्ट 90 FPS देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं रेडमी K20 Pro के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा रहेगा। देखो तुम लोग इसके साथ ना भाई एंसेंट OS को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रोम है। और ये थोड़ा सा ओल्ड रोम है, बिकॉज ये रोम का इतना ज्यादा अपडेट नहीं आता, सो इसलिए इतना ज्यादा ओल्ड हो रहा है। और ऐसे भी इसका अपडेट जो है ना बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। तुम लोगों को बाय डिफॉल्ट 90 FPS भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन K20 Pro पे भी यहाँ पे सेम हालत है, यहाँ पे ओनली 60Hz का डिस्प्ले है, तो भाई यहाँ पे 60 FPS ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हॉट ड्रॉप पे ना आराम से यहाँ पे 58 या फिर 59 FPS तक दे देता है, यहाँ पे कोई भी लैग वगैरह नहीं करता। तुम लोग अगर इसको यूज करना है तो कर सकते हो, लेकिन K20 Pro ना इसका डिस्प्ले भी 90Hz तक ओवरक्लॉक हो सकता है। एक कस्टम रोम है एवोल्यूशन X का, उसको जैसे डालोगे ना वहाँ पे 102Hz बताता है, लेकिन यार मैं तुम लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और इंसेंट OS के साथ ना तुम लोग सोबियट स्टार कर्नल को यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कर्नल है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। ये दोनों को यूज करना है तो कर सकते हो। ये जितना भी मैंने रोम बताया ना, ये सारा रोम का लिंक भाई तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके सिंपल आपको सर्च करना है जो भी तुम्हारा डिवाइस है। देखो रेडमी नोट 8 प्रो के लेना ये वाला ग्रुप है, रेडमी नोट 8 प्रो अपडेट ये वाला ग्रुप पे तुम लोग जा सकते हो। और रियलमी GT Neo 3T के लेना ये वाला ग्रुप है, तुम लोग ये वाले ग्रुप पे तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट। और K20 Pro वालों के लेना ये वाला ग्रुप है, तुम लोग ये वाले ग्रुप पे जा सकते हो जो भी तुम्हारा अपडेट वाला ग्रुप है, इस पे ज्वाइन हो जाना। इस पे तुम लोगों को जो भी कस्टम रोम है ना सारा लिंक उसी पे मिल जाएगा। और अगर फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई तुम लोग मेरे वाले ग्रुप पे आ सकते हो, यहाँ पे ट्रेडमैक्स OP सर्च करके, यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेरे वाले ग्रुप पे आ सकते हो। नहीं तो भाई मुझे तुम लोग इंस्टाग्राम पे आके DM कर सकते हो, वहाँ पे जो भी लिंक है मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो भी तुम्हारा डिवाइस है। और अगर भाई तुम्हारा अलग डिवाइस है, इनमें से कोई भी डिवाइस नहीं है, तो भाई सिंपल भाई कमेंट करो, जब अगला कॉम्बिनेशन वाला वीडियो लाऊंगा ना उस पे भाई तुम्हारा डिवाइस भी कवर कर दूंगा। और बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।